हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्व शाह और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल। आज हम लैपटॉप का चार्जर यानी कि अडेप्टर का डिसअसेंबल करके देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है और इसका क्या क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अडेप्टर का जो एसी कॉर्ड है उसको खोल लेते हैं, ऐसे करके खींच के ऐसे खोल लेते हैं। अब हम इस एसी कॉर्ड का फंक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं तरफ है नेगेटिव और दाहिने तरफ है पॉजिटिव और मिडिल के तरफ है न्यूट्रल यानी कि अर्थिंग का। ये अर्थिंग का काम ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लीक हो तो ये से आपको शॉक लगने की डर नहीं है, ये से ये पास हो जाता है इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक जो लीक होता है उस लीक टू इस नेगेटिव से पार हो जाता है। और ये जो एडाप्टर है इसको हम खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से, ऐसे करके हम धीरे धीरे दोनों तरफ को ऐसे ऐसे खोलेंगे। लगभग सभी लैपटॉप का चार्जर को एडाप्टर को एक ही फंक्शन है खोलने की, यहाँ पर कोई स्क्रू नहीं है इसलिए हमको ऐसे ही खोलना पड़ेगा। ऐसे ये उस ऊपरी तो ऊपरी से को देखिए, यहाँ पर देखिए ये कवर है, बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। अब हम इस निचले हिस्से को भी ऐसे अलग कर देंगे, देखिए यहाँ पर हम इन निचले हिस्से जो प्लास्टिक का है इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद हम जो नॉन कंडक्टिव कवर है ऊपर का इसको भी हम हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये अंदर का जो पार्ट्स है इसको हम अलग अलग से समझेंगे। देखिए क्या पर, तो पहले हम इस निचले हिस्से को कवर को हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका पार्ट्स को कौन कौन सा पार्ट्स क्या क्या है। ये देखिए निचले हिस्से, निचले हिस्से भी बहुत माइक्रो पार्ट्स दिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस डायोड आईसी सब कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का जो है जेनर डायोड, ये दो है जेनर डायोड। यहाँ पर है माइक्रो रेजिस्टेंस, छोटे छोटे माइक्रो रेजिस्टेंस, माइक्रो कंडेंसर आईसी सब कुछ छोटे छोटे माइक्रो के हैं। और यहाँ पर जो पैड है ये इस पार्ट्स को सेफ रखने के लिए, यह अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंडेंसर है ये 400 वोल्ट का 120 mFD का, ये जो दो कॉइल है पहला दूसरा कॉइल ये एसी रेगुलेटर है। यहाँ पर अब ये देख सकते हैं रेगुलेटर है जो हीट सिंक से जुड़ा हुआ है एल साइज का, और ये भी एक हीट सिंक से, और इस हीट सिंक से ये रेगुलेटर भी टाइट किया है स्क्रू से। यहाँ पर देख सकते हैं और भी दो कैपेसिटर है कंडेंसर, यहाँ पर भी एक हीट सिंक से एल साइज का और एक रेगुलेटर स्क्रू से टाइट किया है। अब यहाँ पर आप जो देख सकते हैं जो एसी का जो इनपुट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल है लेग है, यहाँ पर एसी को इनपुट लेता है रेगुलेट करता है। और ऐसे ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर डीसी को सप्लाई करता है, आउटपुट देता है, ये आउटपुट देता है 65 वाट का डीसी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आउटपुट है डीसी कॉर्ड है, लगभग हर एक लैपटॉप का एक ही कॉर्ड है। इस कॉर्ड का हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो बाहर के अंदर की तरफ है पॉजिटिव और बाहर की तरफ है नेगेटिव, कॉर्ड का एक यही फंक्शन होता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिन है एसी का इनपुट के लिए, और यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इस पार्ट्स को एक एक करके खोलेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।